तो यहाँ पर बनाना है मुझे दड़ा का चूरमा, तो दड़ा का चूरमा के लिए मैंने बना लिया है, यहाँ पर आटा छान लिया, आटा छान के उसमें मोइन मैंने घी डाल लिया है। घी डाल के अच्छे से हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी, दोनों हाथों से करूँगी अच्छे से, जब भी तो इसमें मोइन अच्छे से लगेगा। जैसे इसको दोनों हाथों से अच्छा से मोइन डाला है मैंने, अच्छा चूरमा बनेगा, तो इसलिए मैं हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। जैसे ही हम इसको जैसे अच्छे से मिक्स करके और मुट्ठी बीच के जैसे आटे की देखेंगे तो मुट्ठी लड्डू सा बन जाएगा, तो सोच लेंगे कि अच्छे से मोइन इसमें डल गया, नहीं और कम पड़े तो और डाल लेंगे। फिर मोइन करने के बाद हमने डाल लिया इसमें पानी, थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया है, उससे लगा लेती हूँ अच्छे से आटा। आटा को थोड़ा सा टाइट टाइट और अच्छे से लगा लेना है, फिर अच्छे से बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने आटा लगाना शुरू कर दिया है। आटा लगाए मुझे 15-20 मिनट हो गए हैं, सेटर होने के लिए मैंने छोड़ दिया था। यहाँ पर चढ़ा दिया मैंने कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल देती हूँ घी। तो घी की बोतल मैंने गर्म पानी में गर्म की थी, तो थोड़ी सी सिकुड़ गई है, या जैसे बोतलों में घी लेके आए हैं वैसे नहीं लाए हम, तो घी की बोतल फिर जम गया था ये थोड़ा सा, तो इसमें मैंने गर्म करके निकाला है, तो गर्म पानी में दी तो ये पिचक गई, तो इसमें से डाल लिया है मैंने घी। तो घी गर्म हो जाता है, घी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया, जैसे गर्म होएगा तभी तो फिर आटा सेट होने के लिए, जैसे पहले ही लगा के मैंने रख दिया था, तो आटा सेट अच्छे से हो गया। और साथ में ले लिया मैंने काजू बादाम किशमिश, और वो ले लिया चीनी, जैसे चीनी को पीसना है चूरमा में मिलाने के लिए। किशमिश नहीं भूनती हैं, जैसे काजू और बादाम दोनों में ड्राई फ्रूट हैं, इनको मैं अच्छे से इसमें तल लूँगी। तलने के बाद इसको अच्छा टेस्ट आता है, तो पहले ही मैंने ये बनाने से पहले जैसे चूरमा के लिए बड़ी सी बेडिश नहीं बनाई है मैंने, फिर बनाऊंगी, तो पहले मैंने इसमें डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट्स, कम गर्म हुआ है मैंने उसी में डाल दिए हैं, नहीं तो तेज़ गर्म में डालते हैं तो डालते ही जल जाते हैं ये, तो धीरे धीरे पकते रहेंगे। जैसे इतना मैं बना लेती हूँ इसमें डालने के लिए, जैसे मुठिया सा भी बोलते हैं, बेड़ी बोलते हैं, तो उनको मैं बना लेती हूँ इसमें, फिर धीरे धीरे तलते रहेंगे। कम घी गर्म हुआ है तभी मैंने काजू और बादाम डाल दिए थे, जैसे नहीं डालते ही जल जाते हैं, मैंने पहले भी बताया है आपको, तो इसलिए हाथ से जैसे मुठिया सा बना के लंबी लंबी, जैसे ज़्यादा मोटी बना लेते हैं तो पकती कम है, तो इसलिए मैंने पतले पतले से बना के हाथ से थोड़ा सा सिकुड़ दिया है, इसको अच्छे से पक जाएंगे अंदर तक। और यहाँ पर काजू बादाम भी मेरे तले गए हैं, जैसे सिम आँच पर ही तले हैं मैंने, धीरे धीरे तले गए, इतने मैंने वो कर लिया था, और इनको लेते हुए निकाल, अच्छे से पक गए हैं काजू और बादाम भी। तो काजू बादाम मैंने लिए हैं निकाल, अब जैसे तेज गर्म हो गया है घी थोड़ा सा, तो मैंने इसमें बनाई थी हाथ से मैंने इसमें डाल दी हैं, ये भी जैसे 5-7 मिनट लगती हैं पकने में, मैं इनको सिम आँच पर ही पकाती हूँ, तेज आँच पर पकाते हैं बाहर से ब्राउन ब्राउन हो जाती हैं, अंदर से अच्छे से नहीं पकती, और एक तरफ से थोड़ी सी ब्राउन ब्राउन हो गई थी तो मैंने इनको पलट दिया है, अल्ट पलट के जैसे अच्छे से इसको पकाएंगे, सिम आँच पर ही पकेंगी, तभी तो अच्छा चूरमा बनेगा ना, दहेड़े का चूरमा बोलते हैं, राजस्थानी चूरमा बोलते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगता है, जैसे ये बनाया है बच्चों का मनपसंद है, तो इनको अच्छे से अल्ट पलट के जैसे मुझे लगती है ये पक गई उसको ही पलट देती हूँ मैं, तो अल्ट पलट के इसको अच्छे से पका लेते हैं। तो जैसे सिम आँच पर भी धीरे धीरे पक्की, कितना अच्छा सा कलर आ गया है इनको, ये पक गई हैं, तो इनको जैसे घी थोड़ा सा झार के इनको निकाल लेती हूँ, बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गए हैं, तो इनको लिया है मैंने निकाल, और इसी मैंने सारे वो बना के रख लिए हैं जैसे हाथ से, ये भी इसमें जैसे पकते रहेंगे, मैं धीरे धीरे इनमें जितनी भी पकेंगे उतनी डालती रहूँगी। तो सारे इसी तरीके से पका पका के निकाल लेती हूँ मैं इनको, और यहाँ पर ड्राई फ्रूट साथ में काट लेती हूँ, जैसे ये हैं ये तोड़ के रख दूँगी, इतनी ठंडी हो जाएंगी इनको,
बीच, जैसे अभी तो गर्म है, अभी नहीं तोड़ूंगी, तो 2 मिनट के बाद इनको तोड़ के जैसे छोटी छोटी करके रख दूंगी, पीसने में भी आसानी हो जाएगी। रे एक तरफ से पक गई थी तो दूसरी तरफ भी मैंने दूसरी बार डाली थी, वो पलटती हैं। और इनको जैसे थोड़ी ठंडी हो गई तो हाथ से इनको तोड़ देती हूँ, जैसे और छोटी छोटी हो जाएंगी तो मिक्सी में पीसने में आसान हो जाती हैं, अच्छे से पीस जाती हैं। ज़्यादा गर्म होता है तो फिर मिक्सी ख़राब होने का भी वो होता है कि मिक्सी ख़राब हो जाएगी गर्म से, तो थोड़ी ठंडा होने के बाद अच्छे से पीसते हैं। इतना मैं काजू बादाम है इनको काट लेती हूँ, और साथ में ही जैसे काजू बादाम कट कर लूँगी साथ में बबकती रहेंगी। यहाँ पर जैसे मैंने उनको पलट के और साथ में चीनी पीस लिया, जो चीनी लिया था, तो साथ में भी काम होता जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि सिम आँच पर कर रखे मैंने, आराम से पक रहे हैं वो, तो इतने साथ में ये काम भी निपटा लेती हूँ, कर लेती हूँ। तो चीनी पीस के भी तैयार हो गई है, दूसरी बार के भी ये पक गए हैं, तो थोड़ा सा और पलट देती हूँ इनको, और इधर उधर करके जैसे पका लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से पक जाएं। जितना अच्छे पकेंगे उतना ही चूरमा बन के तैयार अच्छा होगा, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और ये मैंने सारे जैसे गर्म थे तो थोड़े से और छोड़ दिए थे, तो बीच बीच में मैंने सारे तोड़ के रख दिए हैं ये। और यहाँ पर मैं काजू और बादाम काट लेती हूँ, जैसे साथ साथ में पकते रहेंगे तो साथ साथ में ये काम भी होता रहेगा। बीच बीच में मैं इनको भी चेक कर लेती हूँ और काजू बादाम को भी काट लेती हूँ। चीनी जैसे मैंने पीस ही लिया है तो अब जैसे ये ठंडा हो गया था निकालने के बाद एक बार का, तो इनको मैं पीस लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, एकदम नहीं पीसती हूँ मैं मिक्सी से। बहुत जल्दी पीस के तैयार हो जाता है ये, टाइम भी नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है। जैसे हफ्ता 10 दिन के लिए रख भी लेते हैं तो ख़राब नहीं होता है ये चूरमा, कितना अच्छा सा पीस के तैयार हो गया है। एक बार मैंने पीस लिया है तो बार भी उसमें डाल के जैसे पीस लेंगे, गरम गरम है, और साथ में जैसे मैं डालती रहती हूँ तो अलट पलट के उनको भी पकाती रहती हूँ, साथ साथ में काम बनता रहता है, सिम आँच पर पकाते हैं। तो चूरमा मेरा सारा पीस के तैयार हो गया था, और बूरा भी पीस लिया और बादाम भी मैंने कट कर लिए थे। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, जैसे चूरमा ज़्यादा गर्म था, गर्म में मीठा डालती तो पानी पानी सा बन जाता, तो पहले मैं गर्मी बहुत थी, दूध लाना है मेरे को, दूध का टाइम हो गया है, तो इसलिए मैं नहा के आ गई हूँ, क्योंकि पहले पसीना से सारी भीग गई थी, तो फिर कपड़े चेंज करने थे मेरे को, तो फिर मैंने इतने ठंडा हो जाए पंखा के नीचे रख दिया था। उसके बाद मैं नहा के, और अब मैंने इसको जैसे ठंडा हो गया पंखा के नीचे रख दिया था, अब मिला दिया इसमें मीठा। गर्म में मिला देते हैं तो चटपटा चटपट जैसे चिपचिपा हो जाता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ठंडा बहुत पंखा के नीचे ही हुआ है ये, तो मीठा मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें काजू बादाम किशमिश है वो भी डाल दिया है मैंने, और जैसे इसमें घी लगा है तो मैंने यही चूरमा से इसको साफ़ कर लिया है घी को, तो ये डाल के भी मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है, तो चूरमा बन के तैयार हो गया है। जैसे कढ़ाई में घी बचा है उसको भी मैं इसी में डाल देती हूँ, और अच्छा टेस्ट हो जाएगा। दहेड़े का चूरमा बन के तैयार हो गया है, राजस्थानी फेमस चूरमा भी बोलते हैं इसको। तो चूरमा मैंने कई बार पहले भी वीडियो आपके साथ शेयर किया है कैसे बनाती हूँ मैं, तो आज बनाया तो आज भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि चूरमा कैसे बनाती हूँ।